बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिला डिजिटल बॉक्स। मेरा नाम है उस्मान अफजल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में इकामा की टोटल फीस कितनी है। अभी रिसेंटली मैंने अपना इकामा लगवाया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझसे मेरे कफील ने टोटल कितने पैसे लिए हैं, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कफील ने किस किस चीज के कितने कितने पैसे लिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। सऊदी अरब से हर किस्म की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आपको मैं बताऊंगा कि मेरे कफील ने मुझसे टोटल कितने पैसे लिए हैं। सबसे पहले जो इकामा की फीस होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इकामा की फीस है, वो सिर्फ 650 सऊदी रियाल है। इकामा की जो फीस है वो शुरू से इतनी ही है, इकामा की ज्यादा फीस नहीं है। इस पर जो मकतबे अमाल होता है, जो टैक्स होता है, कफील का जो मुसस्सा होता है, उसका जो टैक्स होता है वो ज्यादा होता है। अभी मेरे जो इकामा का मकतबे अमाल मुझसे जो वसूल किया है मेरे कफील ने, वो था 9300 सऊदी रियाल। इसके साथ इंश्योरेंस फीस होती है जो 700 रियाल है, इंश्योरेंस फीस भी इसमें इंक्लूड होती है। इसके बाद जो मुझसे कफालत ली है मेरे कफील ने पर मंथ 700 रियाल के हिसाब से, 8400 रियाल एक साल की मेरे कफील ने मुझसे कफालत ली है। इस तरह जो कामा है वो टोटल मेरा 19050 रियाल में लगा है। अभी रिसेंटली जो आजाद वीजे वाले हैं, मैं चूंकि आजाद वीजा वाला हूं, तो आजाद वीजे वाले जो हैं उनका इकामा बहुत महंगा है। आपने सुना होगा, ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अभी जो मैंने रिसेंटली अपना इकामा अपडेट करवाया है, तो एक साल का जो मेरा इकामा है वो 19050 रियाल में लगा है। अभी एक चीज की सहूलत दी है सऊदी गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 3 महीने का या 6 महीने का भी इकामा लगवा सकते हैं। इसके साथ अगर आपका आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप बेशक एक साल का लगवाएं, अगर आपके पास पैसे थोड़े कम हैं तो आप 6 महीने का लगवा लें, वो 6 महीने एक्सपायर होने के बाद आप दोबारा 6 महीने का भी लगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।